अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सैमसंग गैलेक्सी के एस सीरीज़ की बात करेंगे, जिसमें फ़ोन शामिल है S20, S20 प्लस एंड S20 अल्ट्रा। क्या स्पेसिफिकेशन होगी, पाकिस्तान में क्या लॉन्च होने वाला है, किस प्राइस से लॉन्च होगा, तमाम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक चैनल सब्सक्राइब लाजमी से कर लेना। चलें वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे बात करें, इन तीनों फ़ोन्स के अंदर आपको एंड्रॉयड 10 देखने को मिलेगा। चिपसेट यूज़ किया गया है वो एक्जोनोस का 990 है, जो कि 7 नैनोमीटर बेस्ड है। 5G जो फ़ोन होने वाला है, पाकिस्तान में तो 5G अभी नेटवर्क प्रोवाइडिंग कर रहे हैं, लेकिन इसका जो हार्डवेयर होगा वो 5G सपोर्टेड होगा और आप इसमें 4G भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी प्राइस जो होगी वो आईफोन 11 प्रो मैक्स से भी ज़्यादा होने वाली, यानी कि 2 लाख से ऊपर ही पाकिस्तान में इसकी प्राइस आपको देखने को मिल जाएगी। जो मेन तीनों फोन्स में डिफरेंस है वो इसकी डिस्प्ले में आप कह सकते हैं। इस S20 वाला फ़ोन है उसमें आपको 6.2 का डिस्प्ले मिलेगा, जो कि सुपर एमोलेड में ही आने वाला है। और इसके बाद S20 प्लस में आपको 6.7 इंच का डिस्प्ले और इसके बाद 6.9 इंच का आपको डिस्प्ले S20 अल्ट्रा में देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आपको कुछ रैम्स वगैरह का भी डिफरेंस देखने को आ जाएगा और कैमरेज का थोड़ा बहुत डिफरेंट होने वाला है। तो इसमें आपको जो S20 अल्ट्रा है उसमें आपको 108 मेगापिक्सल का लेंस देखने को मिल जाएगा। 5G सपोर्टिंग एंड तीनों फोन्स मैंने आपसे पहले भी कह दिया। 5000 mAh की बैटरी इसमें आपको देखने को मिलेगी। ग्लोबली तो ये लॉन्च वगैरह हो चुका है, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट में आपको ये मार्च के स्टार्ट में या फिर फरवरी के लास्ट में देखने को मिल जाएगा। 12GB इसमें रैम यूज़ की गई है, 128GB की स्टोरेज और इसके साथ 16GB रैम और 512GB की स्टोरेज भी इस फ़ोन में आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसमें जो आपको कैमरा सेटअप है, बैक में तो 4 कैमरा सेटअप मिलेगा और फ्रंट पे आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल जाएगा। सुपर एमोलेड का डिस्प्ले यूज़ किया गया है, जो कि 120 फ्रीक्वेंसी रेट को सपोर्ट करता है। तो काफ़ी अच्छा फ़ोन होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट भी आपको आप इस फ़ोन को कह सकते हैं, जो कि अपने वाईफाई और ब्लूटूथ की भी जो लेटेस्ट तरीन टेक्नोलॉजी उसको यूज़ किया है फ़ोन के अंदर। और प्राइस भी लेटेस्ट तरीन रखी गई है, जो कि 2 लाख से भी ज़्यादा है और ये आईफोन से भी ज़्यादा महंगा फ़ोन सेल होगा। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन। अगर आप इन फ़ोन्स को लेने में इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।